देखो बच्चों, हम लोग और मॉडुलस के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ। देखो ध्यान दो, हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये काफी डिटेल्ड फंक्शन है ना। जैसे इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बहुत सारे ग्राफ हमको पढ़ने बाकी हैं और बहुत सारे इसमें रिजल्ट हैं। मैं आपको एक एक करके सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको हाईएस्ट लेवल तक ले जाऊंगा, है ना। और जितने क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इतने क्वेश्चन, शायद ही इतने वैरायटीज के क्वेश्चन किसी भी किताब में या किसी भी नोट्स में या किसी भी आपको पेपर में मिलेंगे, ध्यान देना, है ना। तो मैं आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होते हैं सारे करा दूंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के आईआईटी में एडवांस लेवल तक मैं आपको सारी बातें अच्छे से बताऊंगा। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या होगा, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। देखो ध्यान दो, ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखो बच्चों, इसके ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग जरा कुछ मेथड सीखे। इसके ग्राफ को बनाने के लिए देखो हम लोग कुछ मेथड सीखे। देखो ध्यान दो, मेथड क्या है। जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास y बराबर fx एक फंक्शन है। मान लो हमारे पास y बराबर fx एक फंक्शन है, और ये फंक्शन कुछ ऐसे करके है, 0 है, 1 है, 2 है, और मान लो यहां पर है -1, और मान लो यहां पर है -2। ऐसे ये मान लो 1 है, और ये मान लो यहां पर क्या है, बोलो -1। ऐसे मतलब हमारे पास मान लो ये एक फंक्शन है y बराबर fx, और ये फंक्शन हमको दिया गया है ना। मतलब y बराबर fx ये हमको गिवन है, ध्यान दो, y बराबर fx ये फंक्शन हमें गिवन है। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें देखो इस फंक्शन की हेल्प से कुछ और ग्राफ बनाने हैं। देखो ध्यान दो, मान लो हमसे कहा जाए ड्रॉ ग्राफ ऑफ वाई बराबर मॉड एफ एक्स। मान लो हमसे कहा जाए कि वाई बराबर मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, और ये ग्राफ हमको दिया गया, मतलब इसकी हेल्प से हमें मॉड एफ एस का ग्राफ बनाना है। देखो मेथड क्या होता है, मेथड बहुत साफ है। मेथड ये कहता है कि इस फंक्शन में देखो जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इस फंक्शन में जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर, इस फंक्शन में जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे का वैसा ही बना दो। देखो ऐसे, ये देखो, ये और ये, जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे का वैसा ही बना दो। ध्यान दो, देखो ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला पार्ट, देखो ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे का वैसा ही बना दो। ध्यान दो, देखो जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है ना, देखो ये वाला पार्ट एक्स के नीचे, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो, मतलब इसको देखो ऐसे बना देंगे, ये है ना, ये वाला पार्ट देखो ये भी एक्स एक्सिस के नीचे है, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो, ऐसे बना देंगे, देखो ऐसे करके, ये क्या हो गया, बोलो -2, है ना। तो अगर हमें वाई बराबर एफ एस का ग्राफ दिया जाएगा, और हमें वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एफ एस का ग्राफ बनाना होगा, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या, जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसको वैसे ही रहने देंगे, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसे ऊपर ट्रांसफर करेंगे हमेशा, है ना, जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है उसे हमेशा हम लोग ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ध्यान दो, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे हम वाई बराबर एफ एक्स की हेल्प से वाई बराबर मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। देखो ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन किया गया, हमें क्वेश्चन दिया गया कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करो। मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया कि y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो देखो हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y बराबर x माइनस 1 का। ये मॉडुलस हटा देंगे, ध्यान दो, मॉडुलस को हटा देंगे और सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू x माइनस 1 का। कैसे बनाएंगे, देखो ये एक लीनियर फंक्शन है। देखो x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, बोलो, लीनियर फंक्शन। तो देखो लीनियर फंक्शन का ग्राफ पहले बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, है ना, लीनियर फंक्शन, इसको हम 11 क्लास में स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ये लीनियर फंक्शन भी है और ये स्ट्रेट लाइन भी है। तो कभी भी अगर हमें लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना हो या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना हो तो देखो ये तरीका होता है क्या, सबसे पहले x को 0 पुट कर दो तो y क्या आ जाएगा, देखो y आ गया -1, तो ये 0 और ये -1, तो क्या बन गया, बोलो, 0, -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो y को 0 पुट कर देंगे, y को 0 पुट किया, देखो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये पॉइंट क्या आ गया, बोलो, 1, 0, है ना। तो पहले x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया, -1, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो देखो ये हो गया 0, -1, पर ये क्या हो गया, 1, 0। देखो ध्यान दो, ये दो पॉइंट्स हमको मिले, इन दोनों पॉइंट्स को हम x y एक्सिस पर ड्रॉ करें। देखो ये वाला पॉइंट क्या है, बोलो, 1, 0, देखो 1, 0 यहाँ कहीं आएगा। ये वाला पॉइंट क्या है, बोलो, 0, -1, देखो 0, -1 यहाँ कहीं आएगा। ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ बन गया इसका y इक्वल टू x माइनस 1 का। देखो ये ग्राफ बन गया, ध्यान दो, ठीक, y इक्वल टू x माइनस 1, ये पॉइंट है 1, 0, ये x एक्सिस पर आएगा, ये ओरिजिन अपना, और ये पॉइंट है 0, -1, ये y एक्सिस पर नीचे जाएगा, इनको ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ बन गया। देखो अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, देखो, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर fs का ग्राफ मालूम है और मॉडुलस fs का ग्राफ चाहिए, देखो जैसे यहां पर इस फंक्शन का ग्राफ मालूम है और इसका ग्राफ चाहिए, बनाना था इसका ग्राफ, लेकिन पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, ध्यान देना, इसका ग्राफ बनाना होगा तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ देखो हमने ऐसे बनाया, ध्यान दो यहां पर, अब इसकी हेल्प से ये ग्राफ बनेगा, इस वाले की हेल्प से ये ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, देखो वही कॉन्सेप्ट, क्या, जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है वो वैसा ही रहेगा, जो x के नीचे है उसका इमेज ऊपर आएगा। मतलब देखो कुछ इस तरीके, ध्यान दो, देखो कुछ ऐसे, ये है ओरिजिन है, देखो ये पार्ट x एक्सिस के ऊपर है, देखो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ऐसे देखो, ये 1, 0, ठीक, ये पार्ट देखो x एक्सिस के ऊपर है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। जो पार्ट x एक्सिस के नीचे, देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट x के नीचे है ना, इसका इमेज ऊपर ट्रांसफर करेंगे, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे। जैसे यहां पर देखो, जो x एक्सिस के नीचे था उसको ऊपर ले गए थे, जो x एक्सिस के नीचे था उसको ऊपर ले गए, ध्यान दो। तो यहां पर भी देखो, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है, उसको हमने वैसे का वैसा ही बना दिया। जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है इसको ऊपर बनाएंगे, मतलब देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे करके, ये ऐसे, है ना। देखो ये वाला पार्ट x के नीचे है, इसका इमेज ऊपर बनाओ, तो इसका इमेज जब ऊपर बनाओगे तो कुछ ऐसे करके बन जाएगा ये, है ना। जो पार्ट x के नीचे था उसका इमेज हमने ऊपर बना दिया। ये वाला पॉइंट क्या है, बोलो, 0, -1, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, 0, +1। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0, +1। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ये हो गया देखो x एक्सिस और ये क्या हो गया, बोलो, y एक्सिस, ध्यान दो, ठीक। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ देखो ये बन गया। तो ये मॉडुलस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर हमें fs का ग्राफ मालूम है और पूरे का मॉड चाहिए तो जो x एक्सिस के नीचे वाला भाग होता है उसको हमेशा ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। लिखो सब अच्छे इसको ध्यान से, फिर हम लोग अभी और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो,
जैसे मान लो अगर हमको देखो जैसे हमें ये ग्राफ दिया गया y बराबर fx, अब मान लो हमें ग्राफ चाहिए है किसका, हमें ग्राफ चाहिए है y बराबर f mod x का। मान लो हमें ये ग्राफ चाहिए, ठीक, y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है और मान लो हमें y बराबर f mod x का ग्राफ चाहिए। देखो ध्यान दो क्या कॉन्सेप्ट होगा, जो ग्राफ देखो जैसे ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के राइट वाला जो ग्राफ है, ओरिजिन के राइट वाला जो ग्राफ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखो यहां पर x के ऊपर x के नीचे से मतलब नहीं है। अब यहां पर ध्यान दो, ओरिजिन का राइट और ओरिजिन का लेफ्ट, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट वाला जो ग्राफ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो ऐसे ये ग्राफ जैसा था वैसा ही रहेगा, ध्यान दो है ना, ओरिजिन के राइट वाला जो ग्राफ है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो जो ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट वाला है वो नहीं बनाएंगे और राइट का इमेज ही लेफ्ट में बनाएंगे। मतलब जैसा ग्राफ हमने राइट में बनाया है एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ लेफ्ट में बनाएंगे। देखो ऐसे करके ये यहां पर हो गया माइनस वन और यहां पर क्या हो गया बोलो माइनस टू। ठीक, फिर समझो ध्यान से, जो ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ है उसको बनाएंगे, ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ बिल्कुल भूल जाएंगे हमेशा के लिए। देखो ये ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ है, इसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे। और जो ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ आपने बनाया है उसी का इमेज एग्जैक्टली लेफ्ट में बनाएंगे, ध्यान दो। ठीक, देखो इसका हम लोग एग्जाम्पल करें, मान लो हमें ग्राफ बनाना है y equal to mod x minus 1 का, मान लो हमें ये ग्राफ चाहिए। देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे, mod को हटा देंगे, मतलब सबसे पहले हम x minus 1 का ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले ही जो mod है इसे हटा देंगे, mod हटा तो y equal to क्या आ गया x minus 1, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो इसके ग्राफ को बनाने का तरीका भी सीखा था हम लोगों ने, क्या होता बोलो, एक बार x को 0 रखोगे तो y equal to क्या आएगा minus 1, तो पॉइंट क्या बनेगा बोलो 0 माइनस 1, एक बार y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा 1, तो पॉइंट क्या मिलेगा बोलो 1 कॉमा 0। ठीक, देखो ध्यान दो, अब सबसे पहला ये ओरिजिन है, ठीक, ये वाला पॉइंट क्या हुआ बोलो 1 कॉमा 0, तो ये वाला पॉइंट देखो 1 कॉमा 0 और ये वाला पॉइंट क्या है बोलो 0 माइनस 1, देखो ये 0 माइनस 1 इनको आपस में ज्वाइन किया, देखो ये ग्राफ बना। ठीक, अब हमें ग्राफ चाहिए इसका, अब देखो क्या हुआ, x पर मॉड लगा है, मतलब अगर ये fx है तो ये क्या हो गया बोलो, ये क्या हो गया बोलो f mod x, है ना, अगर ये fx है तो ये क्या होगा बोलो f mod x, मतलब x पर मॉड लगा। देखो ये ग्राफ किसका बना बोलो fx का, ये ग्राफ किसका बना बोलो fx का, ग्राफ किसका चाहिए इसका, f mod s का ग्राफ चाहिए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे ध्यान दो, देखो ये ओरिजिन है और ये वाला ग्राफ ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ, देखो ओरिजिन पर हाथ रखो ऐसे करके, हाथ रखा ऐसे करके, ये ग्राफ ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को वैसे का वैसा ही बना दो ऐसे करके, ये है ना, ये ग्राफ देखो ओरिजिन के राइट वाला ग्राफ है, इस ग्राफ को वैसे का वैसा ही बना दो। अब जैसा ग्राफ राइट में बना है वैसा ही लेफ्ट में बना दो, मतलब राइट वाले का इमेज कहां बना देंगे बोलो लेफ्ट में, जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में बना है वैसा ही ग्राफ देखो कहां बना देंगे हम लोग, ओरिजिन के लेफ्ट में। ठीक, क्या बताया मैंने, जैसा ग्राफ देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट में ये ग्राफ है, ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ भूल जाओ, ओरिजिन के लेफ्ट वाला ग्राफ भूल जाओ, जैसा राइट में बना है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ लेफ्ट में बना दो, ध्यान दो। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या बन गया माइनस वन कॉमा जीरो और ये वाला पॉइंट क्या हो गया जीरो कॉमा माइनस वन। देखो यहां पर
ये पॉइंट क्या था बोलो, 0, -1 तो ये बना दिया, ये 10 था, इसको इधर लाए तो क्या बन गया बोलो -1, 0। तो ये ग्राफ किसका बन गया बोलो, वाई बराबर मॉड एक्स माइनस वन का, है ना। मतलब जब एक्स पर मॉड लगेगा तो ग्राफ इस तरीके से बनाना होगा, ध्यान दो। ठीक है, तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक कॉन्सेप्ट देखो अभी और है, उसको भी सीखते हैं। इसको नोट करो सब बच्चे, पहले जल्दी से देखो अब क्या करेंगे, बड़ा आसान है, ध्यान दो, ये ओरिजिन है। देखो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही बना लो, ऐसे करके देखो ये, है ना। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, चाहे वो ओरिजिन के राइट में है चाहे ओरिजिन के लेफ्ट में, जहां भी है, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इन दोनों ग्राफ को ऐसे का वैसा ही बना दो, ऐसे, है ना। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे का वैसा ही बना दो, ध्यान दो। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, देखो जैसे ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है उसको हमेशा के लिए भूल जाओ, मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ इसको हमेशा के लिए भूल जाओ, है ना। जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको बनाया, देखो ऐसे बनाया, और जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको भूल जाओ। अब क्या करेंगे देखो, जो एक्स एक्सिस के राइट, जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बनाया है, इसी का इमेज देखो नीचे भी बनाएंगे, ध्यान दो, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, मतलब जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको बनाएंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ भूल जाएंगे, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बनाया है उसी का इमेज नीचे भी बनाएंगे। ये तरीका तब लगाएंगे जब वाई पर मॉड लगा होगा, ध्यान दो। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि मॉड वाई बराबर एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाइए, ठीक, तो देखो सबसे पहले वही है, मॉड को हटा दो तो वाई बराबर एक्स माइनस वन, इसका ग्राफ हम लोग बना चुके हैं अभी दो दो बार। क्या तरीका, x को 0 पुट किया तो y क्या आया, -1 आया बोलो, फिर y को 0 पुट किया तो x क्या आया बोलो, 1 आया, तो 1, 0, ठीक बात है। बनाओ देखो ग्राफ क्या होगा, 1 हो गया 1, 0 और 1 क्या हो गया बोलो, 0, -1, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, है ना, 1, 0 और 0, -1, इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ इसका बन गया, किसका, y बराबर x माइनस वन का। अब देखो हमें इसका ग्राफ चाहिए y पर मॉड लगा, तो देखो y पर मॉड लगा होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो ग्राफ बनाएंगे, है ना, सबसे पहले वो ग्राफ बनाएंगे जो कि x एक्सिस के ऊपर है, है ना, सबसे पहले वो ग्राफ बनाएंगे जो कि x एक्सिस के ऊपर है। देखो ध्यान दो, तो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ देखो ऐसे करके ये बन गया, ऐसे 1, 0, है ना, सबसे पहले वो ग्राफ बनाया हमने जो x एक्सिस के ऊपर था, ठीक, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था उसको हमने यहां पर बनाया। अब क्या करेंगे देखो ध्यान दो, x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बनाया, अब हम इसी का इमेज नीचे भी बनाएंगे,
है ना, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उसको बनाते हैं और उसी का इमेज देखो नीचे भी बनाते हैं। तो देखो इसी का इमेज नीचे बनाएंगे तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसको बनाएंगे और उसी का इमेज नीचे भी बनाएंगे। ऐसा तब करेंगे जब वाई पर मॉड लगा होगा, ठीक बात है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं मॉडलस के ग्राफ के, आगे कॉन्सेप्ट तो अभी बहुत सारे हैं, ग्राफ में कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे हैं, लेकिन मॉडलस के जनरली 70-80% केस में ये तीन कॉन्सेप्ट काम आते हैं, ठीक है। पूरे फंक्शन पर मॉडलस लगेगा तब क्या होगा, x पर मॉड लगेगा तब क्या होगा, और y पर मॉड लगेगा तब क्या होगा, ठीक। तो क्या बताया, जब y पर मॉड लगाएंगे तो जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको बनाएंगे वैसे का वैसा और उसी का इमेज नीचे भी बनाएंगे, है ना। यहां भी देखो ये ग्राफ था, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था उसको बनाया, जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर था उसको बनाया और उसी का इमेज देखो हमने नीचे भी बनाया, ये रहा। तो ग्राफ किसका बन गया, मॉड वाई बराबर एक्स माइनस वन का। इसको नोट करो सब बच्चे ध्यान से, फिर हम लोग अब इसके और भी अच्छे एग्जांपल देखेंगे।